एक ऐसा गेम जो पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा पॉपुलर एंड काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसमें हमारे इंडियन यूथ उस गेम को प्ले कर रहे हैं एंड काफी ज्यादा पैसा अर्न करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट लगातार उनकी जेब से पैसा खाली होते जा रही है। सो आई होप उस गेम को आप है सो गेस कर पा रहे हो कि मैं उस किस गेम के बारे में बात कर रहा हूँ। सो उस गेम का नाम है एविएटर गेम। एविएटर गेम जो हर मिनट करोड़ों रुपए अपने बैग में लगातार भरता जा रहा है और हम सभी लोगों को जेब लगातार खाली कर रहा है। अगर हम एविएटर गेम्स की यूजर्स एंड डाउनलोड्स की बात करें तो उसके यूजर्स एंड डाउनलोड्स रॉकेट की स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन इसके लाखों में नए यूजर्स एंड डाउनलोड्स इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम गूगल पर सर्च करें तो गूगल पर सर्च करने के बाद हजारों वेबसाइट आएंगे जिस पर लाखों लोगों ने अपना एक्सपीरियंस एंड रिव्यू शेयर किया है, जिसका मतलब साफ साफ यही है कि एविएटर गेम 100% फेक है एंड ये AI जनरेटेड है। सो हेलो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं क्या है एविएटर गेम का डार्क ट्रूथ। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि एविएटर गेम क्या है। वेल, एविएटर एक फैंटेसी गेम है जो गेम ऑनलाइन या फिर इंटरनेट की हेल्प से वर्चुअली टीम्स को क्रिएट करते हैं एंड प्लेयर्स को रियल प्लेयर्स के रूप में ये प्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं गेमिंग इन इंडिया, मतलब क्या फैंटेसी गेम इंडिया में खेलना लीगल है या फिर नहीं। जनरली इस तरह के गेम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल होता है कि आपके अंदर कोई हुनर है, कोई टैलेंट है या फिर ऐसो नॉलेज के बदौलत आप है तो उस गेम को खेलते हैं, प्ले करते हैं एंड आप उस चीज़ को विन करते हैं। बट गेम ऑफ चांस गैम्बलिंग जो होता है वो रेंडमली खेला जाता है, जिसमें आप बिना किसी प्रियर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के खेलते हैं। वैसे गेम इंडिया के अंदर खेलना अनलीगल माना जाता है। सो इट्स क्लियर दैट एविएटर गेम इज इनलीगल इन आवर कंट्री इंडिया। तो अब हम समझते हैं कि एविएटर गेम का प्लेइंग मॉडल क्या है। इसमें सबसे पहले आपको गेम प्ले करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के साथ साथ एक पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ता है, जिसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं अपना मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड को एंटर करके, एंड लॉगिन करने के बाद गेम प्ले कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू प्ले एविएटर गेम, एविएटर गेम को कैसे खेला जाता है। गेम प्ले करने के लिए मिनिमम आपको 10 रुपए का बेट कम से कम लगाना पड़ता है एंड मैक्सिमम आप जितने रुपए का भी आप बेट लगा सकते हैं। और आपको इसमें करना क्या होता है, आपको प्लेन क्रैश होने से पहले आपको पैसा को निकाल लेना पड़ता है जो भी आप विनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो प्लेन जो उड़ता है वो जितना गुना उड़ेगा 2x, 3x, 5x, 10x या फिर उससे और ऊपर, उतना गुना आपका पैसा है सो डबल होते चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर आप 10 रुपये लगाकर 5 गुना प्लेन उड़ने पर पैसा निकालते हैं तो आप 50 रुपये जीत जाते हैं। मतलब कि अगर आपने 10 रुपये लगाया और आप है सो 5 गुना प्लेन उड़ता आपका तो 50 रुपये आप विन कर जाते हैं, एंड अगर 5 गुना जाने से पहले ही आपका प्लेन क्रैश हो जाता है तो आपका पैसा सारा का सारा डूब जाता है। तो इस गेम में सबसे बड़ा जाल ये है कि आपका प्लेन इसमें कभी भी क्रैश हो सकता है, जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अचानक कभी भी 1.1x में भी आपका ऐसो प्लेन क्रैश हो सकता है। सो गेम का सबसे बड़ा ये जाल है। सो अब हम बात करते हैं प्लेन क्रैश होने का सबसे बड़ा रहस्य, मिस्ट्री ऑफ प्लेन क्रैश इन एविएटर गेम। एविएटर गेम पूरी तरह से AI जनरेटेड है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपका पूरा का पूरा गेम का प्रोफाइल, जो भी इसमें गेम प्लेयर्स हैं, जो लोग गेम को खेल रहे होते हैं, उसका सारा प्रोफाइल है सो AI की मदद से ट्रैक होते रहता है। अगर आप इसमें 10 रुपये लगाकर सोचते हैं कि इसमें मैं 5 गुना होने पर निकाल लूँगा प्लेन क्रैश होने से पहले, लेकिन प्लेन उससे पहले ही क्रैश हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 रुपये बेट लगाया, आपने 5 गुना पर पैसा निकाल लिया, एक बार आप विन कर गए, ठीक है, फिर आपने लगाया दो बार विन कर लिया, बट हर बार ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपको इसमें ऐसो लालच दिया जाता है। सो दोबारा से आप अगर कोई आप बड़ा पैसा लगाते हैं, अगेन वही हाल होता है। छोटा पैसा लगाकर आप थोड़ी बहुत पैसा इसमें जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। यह गेम आपको सबसे पहले लालच देता है कुछ पैसा जीतने पर आप
फिर बड़ा पैसा खेलते हैं लेकिन हार जाते हैं, और फिर वही पैसा रिकवर करने के चक्कर में आप अपना सारा मनी लूज कर बैठते हैं। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि अगर आप पैसे को कमाना चाहते हैं सही तरीके से, तो सही जगह और सही चीज को सेलेक्ट करो, बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो सामने स्क्रीन पर आ रहा है इसको एक बार जरूर ट्राई करें। फाइनली मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।